भारत सरकार के लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बहुत सारे बॉर्डर को किसानों ने जाम कर दिया है और ये किसान आंदोलन पूरे दुनिया भर में अपनी एक पहचान बना चुका है। लेकिन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किसान आंदोलन के बारे में किसानों को पता है? क्या वो 3 कृषि कानून के बारे में जानते हैं? देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। किसान हैं? हाँ जी। खेती करते हैं? हाँ जी। कितना खेत में खेती करते हैं? 3.5 बीघा किए हैं। क्या क्या चीज उपजाते हैं आप? गेहूँ, चावल, धान, रबी लगाते हैं, कुछ जो मसाला भी थोड़ा बहुत उपजा लेते हैं। अच्छा। अभी दिल्ली में क्या चल रहा है, कोई जानकारी है आपको? नहीं जी, हमें तो उसके बारे में मालूम नहीं है। कोई जानकारी नहीं कि किसान आंदोलन हो रहा है? नहीं। या सरकार जो कानून बनाई है इसके बारे में पता है किसानों के लिए क्या कानून बनाई है? नहीं जी। आप लोग केवल खेत में ही रहते हैं या कहीं फिर अरवल में जैसे धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, वैसे में जाते हैं? ऐसे में हम लोग का मालूम ही नहीं कि हम लोग जाए, अपना काम में रहते हैं। काम में रहते हैं। किसान हैं? हाँ। कितना खेती करते हैं? 5 बीघा। जो कानून बनाया है सरकार इसके बारे में पता है? नाम पता है। दिल्ली में क्या हो रहा है अभी? अब दिल्ली में तो हमारा पता नहीं कि क्या हो रहा है कि क्या जा रहा है। सरकार क्या कानून बनाई है किसान के बारे में नहीं पता है? नहीं पता है। हम तो बाबू लगल ही यहाँ खेती और ज्योति में लगल ही। खेती करते हैं? कितना में खेती होता है आपके? 2 बीघा में। तो ये जो सरकार किसान के लिए कानून बनाई है पता है आपको? नहीं। दिल्ली में क्या हो रहा है? नहीं पता है। टीवी रेडियो नहीं देखते हैं? नहीं। आप किसान हैं? हाँ, किसान हैं। क्या उपजाते हैं आप? धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, और क्या उपजाते हैं? रबी उपजाते हैं। तो धान, रबी, गेहूँ उपजाते हैं तो कहाँ बेचते हैं? पैक्स में धान जाता है और रबी फालतू होता है तो गोला में जाता है, ना घरे रहता है। तो पैक्स में क्या दाम मिलता है आप लोग को? हर साल तो 1815 के मिला था, अभी इन साल भगवान जाने। तो क्या आपको पता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है? हमको पता नहीं है। किसान क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है? नहीं, ये मालूम हुआ है कि किसान लोग पहुंचे हुए हैं। तो किस चीज के लिए पहुंचे हैं? अब धान वगैरह के लिए पहुंचे हुए हैं, और क्या चीज के लिए पहुंचे हैं? गला के लिए पहुंचे हैं। तो आपको पता है कि सरकार कानून कोई लाई है? हमको तो पता नहीं है। किसान को पता रहता है, दिन भर तो खेत में हम हैं। मैं किसान के मुद्दे पर लगातार रिपोर्टिंग करता आ रहा हूं। किसान का इनकम लगातार घट रहा है। आज किसान अपना उपजाया अनाज औने पौने दाम में गोलादार को बेच रहे हैं। 45 रुपये आलू का बीज खरीद कर लगाने वाले किसान आलू की उपज के बाद आलू 10 से 12 रुपये बेचने को मजबूर हैं। लगातार कर्ज में डूबता किसान को ज़रूरत है उनके अधिकार और उनके साथ हो रहे अन्याय को समझाने की, ताकि किसान के अनाज का उचित दाम किसानों को मिल सके। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एसएम जफर, जिला अरवल, राज्य बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।